नमस्कार, गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या राजमा भिगोने के बाद आपके राजमा चिपचिपे हो जाते हैं, उबालने के बाद लाल नहीं बनते, या बनने के बाद उसमें घी नजर नहीं आता? तो हम कर रहे हैं इसमें तीन गलतियां। तो आइए अब हम अपनी गलतियों को देख लेते हैं। और इसी से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए अब हम अपने राजमा बनाने को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मिस्टेक होती है राजमा को भिगोने की। राजमा को अच्छे से धोकर केवल और केवल 4 से 5 घंटे के लिए भिगोइए। जब हम अपने राजमा को 8 से 10 घंटे तक भिगो देते हैं, तो वो हमारा पानी चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा पानी हम अपने कुकर में नहीं डालते, उस पानी को हम निकाल देते हैं और नया पानी डाल देते हैं। इसकी वजह से, एक तो राजमा को ज़्यादा भिगोने की वजह से उसका कलर ख़त्म हो जाता है, और उस पानी को फेंक देने की वजह से भी हमारे राजमा का कलर ख़त्म हो जाता है। इसलिए राजमा को केवल और केवल 4 से 5 घंटे तक भिगोए, और फिर उसी पानी को कुकर में डालकर अपने राजमा को एक विसल आने के बाद जितना आप मैक्सिमम लो फ्लेम पर उसको पका सकते हैं पकाइए। जितना हम हाई फ्लेम करके विसल दलवाएंगे ना, उतने राजमा का कलर नहीं आएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि राजमा हमको मैक्सिमम लो फ्लेम पर पकाने हैं। पहली मिस्टेक तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ। दूसरी मिस्टेक हम करते हैं अपने मसाले को बनाने में। मसाला बनाते समय प्याज को आप बिल्कुल अलग से पीसें, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर को बिल्कुल अलग से पीसें और अलग अलग भूनें, क्योंकि जब हम प्याज के साथ खास करके अदरक को डाल देते हैं, तो अदरक जो है वो हमारे कढ़ाई के तल्ले के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो खुद तो लाल हो जाता है, लेकिन हमारे प्याज को लाल नहीं होने देता, भूनने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारा सारा मसाला खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप प्याज की पेस्ट अलग से बनाइए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर की पेस्ट अलग से बनाइए। ये हमारी दूसरी मिस्टेक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने तीसरी मिस्टेक की तरफ, जिसको करने से हमारे राजमा का मसाला कभी भी राजमा का जो घी है, तेल है, वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तीसरी मिस्टेक जिसकी वजह से एक तो हमारे राजमा का कलर खराब हो जाता है और दूसरा घी नीचे चला जाता है, वो है प्याज का भूनना। जब तक हमारा प्याज भून कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, घी नहीं छोड़ देता, तब तक हमको इसमें प्याज की प्यूरी बिल्कुल नहीं डालनी। अपने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें हम सबसे पहले अपने सारे मसालों को डाल देंगे, और मसाले डालने के बाद इनको हम हल्का सा भून लेंगे, ताकि मसाले भी अपना कलर्स छोड़ दें, और फिर भूनने के बाद घी छोड़ने के बाद मसाले भी घी छोड़ेंगे। घी छोड़ने के बाद आखिर में हम इसमें अपने प्याज टमाटर की प्यूरी को डालेंगे, और फिर इसी प्यूरी को तब तक भूनेंगे जब तक ये फिर से अपने घी को छोड़ नहीं देती। बस एक बार हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया, तो जितना मर्जी हम अपने मसाले को उलट पुलट कर लें, ये घी कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तैयार मसाले में मैंने सारे राजमा डाल दिए हैं। अब आप देखिए, ये घी बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा।
जितना हम इसको लो फ्लेम पर फिर से पकाएंगे उतना घी धीरे धीरे और भी ऊपर आता चला जाएगा। घी ज्यादा डालने से कुछ नहीं होगा, बस आप अपने मसाले को अच्छे से पकाइए। अब इस मसाले को जितना मर्जी उलट पुलट कर लीजिए, ये घी कभी भी नीचे नहीं जाएगा। आपको मेरी ये एडवाइस कैसी लगी, राजमा बनाने का तरीका कैसे लगा, प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।